जय माता रानी की। दोस्तों जुगराज यहाँ, आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतोली गोवर्टी, आप सब होते मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई खुशी के साथ। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चोपता मार्केट के थोड़ा ऊपर से, यानी आधे रोड से मैं आई हूँ यहाँ तक। गाड़ी में आई थी ऊपर वाली रोड तक, और पीछे आप लोग देख सकते हो कि पीछे कितना ज़्यादा टूट रखा था, जैसे मैंने अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखा दिया है। तो यहाँ ऐसा हो रखा है रोड का हाल, और अपना खुद का वाहन होने के बावजूद हमें चोपता मार्केट से किसी की गाड़ी करनी पड़ी है। तो वहाँ से हम गाड़ी बुक करके जाएंगे, और यहाँ तक हम दूसरी गाड़ी में आए हैं। तो आज हम दूसरों की गाड़ी में जाएंगे। तो अभी यहाँ भी गाड़ी आनी थी, लेकिन अभी आई नहीं है यहाँ पे गाड़ी। तो गाड़ी शायद आगे आ रही होगी। तो मैं जा रही हूँ आज श्रीनगर, और श्रीनगर में आप लोगों को कुछ खुशखबरी सुनने को मिलेगी। माता रानी की कृपा रहेगी तो करेगी तो क्या, माता रानी की कृपा तो है ही। तो आप लोगों को बहुत ही प्यारी सी खुशखबरी सुनाऊंगी मैं। तो अभी बहुत टाइम है जाने के लिए, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि रोड ने सारा काम ख़राब कर दिया है। तो ठीक है, बने रहिए साथ में, मिलते हैं आपको। तो अभी हम निकल गए हैं चोपता से आगे, और गाड़ी भी आ गई है, जो गाड़ी हमने बुक की थी। तो गाड़ी मेरे भैया ही चलाएंगे, और जो इस गाड़ी के मालिक है वो भैया घिमतोली में ही रहते हैं, घिमतोली में उनकी शॉप है, तो घर तो उनका यही है। तो उनकी गाड़ी हमने की है, उन्हीं की गाड़ी से हम आ रहे हैं, और अभी हमने सीधे श्रीनगर जाना है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो देखते हैं क्या माता रानी की कृपा रहती है, देर तो हो ही गई है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, बने रहे साथ में। अभी हम जाएंगे तिलवाड़ा होके, क्योंकि तिलवाड़ा से मेरे साथ आरती दीदी भी आ रही है, यानी आरती रावत, आप जानते होंगे, मैंने जो मूवी बनाई थी उन्हीं के घर पे बनाई थी, बेरोजगार मूवी। तो वहीं जा रही हूँ मैं, और दीदी के घर से ही होते हुए आऊँगी, और दीदी भी साथ में आ रही हैं। तो ठीक है, बने रहे साथ में, मिलते हैं आपको तिलवाड़ा मार्केट। तो फिर दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं दीदी को तिलवाड़ा में मिलूंगी, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं दीदी उससे नहीं मिला पाई। तो आँख भी देखो कैसे हो रखी है, मुझे इतनी उल्टी हुई। तो यह मेरी प्यारी सी दीदी, और मैं जय माता रानी की। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, और जो हमारी मूवी आ रखी थी उसको आप खूब प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और आशा उम्मीद करती हूँ आगे भी इसी प्रकार से दो, और मूवी को खूब शेयर करो हाँ बोली के साथ, ढेर सारा आशीर्वाद, और नए काम की शुरुआत कर रही है आज। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कुछ दिन में, तो इसमें भी आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए हमको, तो खुद से जय माता रानी की। तो अभी हम श्रीकोट में पहुंच चुके हैं। तो श्रीकोट में आज मैं अपने घर ले जाऊंगी एक प्यारा सा छोटा सा मेहमान, जो कि आप लोगों को दिखाऊंगी मैं भी। तो श्रीकोट में मैंने जैसे बताया था, मैं आज कुछ खास काम से आ रखी हूँ, कुछ खास काम किया है वो आपको पता चल ही जाएगा, वो बता ही दूंगी मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से। तो अभी हम किसी के घर पे जा रहे हैं, एक भाई है जिनका यूट्यूब चैनल है हाँ जी खूबछा का नाम से, गढ़वाली में ही ब्लॉग बनाते हैं, गढ़वाली अपनी गढ़वाली मातृभाषा को ही आगे बढ़ा रहे। तो ये उनका मकान था, और अभी हम इनके घर पे जा रहे हैं। तो ठीक है, बने रहिए साथ में, मिलते हैं आपको थोड़ी। तो फिर दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुकी हूँ इनके घर पर, जो मेरे लिए बहुत खास हैं, और मतलब मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि ये चाहे कोई भी ऐप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या यूट्यूब हो, कुछ भी हो, आपको अच्छे इंसान मिल ही जाते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छे इंसान मिले हैं। तो ये हाँ जी खूबसा, नमस्कार जी, नमस्कार। तो इनके साथ मुझे भी गढ़वाली में ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनको देख के मुझे इतना गर्व होता है कि ये मतलब श्रीनगर में रहने के बावजूद भी गढ़वाली भाषा को आगे बढ़ावा दे रहे, और ब्लॉग बना रहे हैं यूट्यूब पे हाँ जी खूब छा। तो देख सकते हो आप लोग ये है, तो आप लोग जरूर यूट्यूब पे जाइए और गढ़वाली भाषा का आनंद लीजिए हाँ जी खूब छा। तो यूं देखी मैं भी गढ़वाली में बात कर पड़े ली, तो मैं तो बहुत अच्छी लगी आप घर में ये थे, कुछ बहुत जाना आप बस बुन के चाहो छो कि सबसे पहले तो आप हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर लूंगी, और जो बात आप बुना था कि गढ़वाली ब्लॉग बनाने, तो वहाँ का पिछने देखा मेरे सोचनी हो जा कि हम लोग को तो विरासत में एक ही चीज मिली माँ पिताजी बटे की, तो वो आज की हमारी यह मातृभाषा गढ़वाली, तो हमारे फर्ज बन दो कि ईद है ये विरासत है आगने बढ़ा, मित्र मैं इन मन दू कि वो पिता का खून और माँ का दूध दगड़े एक विश्वासघात चा, तो आप लोग जद को भेज सको दो आप लोग अपनी बोली भाषा
अपनी संस्कृति को प्रचार प्रसार पूरा देश विदेश हिचक क्वी नहीं रखन मन में, चाहे आप कखी जन्या, मैं चाहे दिल्ली जाओ, चाहे मैं कखी भी जाओ, मतलब भारत का भी शहर हम जाओ, तो मैं अपन बोली भाषा को बिल्कुल नहीं कतरन दो, इसके लिए मेरा बहुत गर्व हो कि हम पक्का पहाड़ी था। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को। आप लोग बस मेरे भी यूट्यूब चैनल था, हाँ जी खूब था, तो आप लोग अगर शुद्ध गढ़वाली भाषा में ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आप लोग देखा, आप लोगों को अच्छा लगल जरूर। हाँ तो भुला मतलब बहुत अच्छा लगे, मैं भुला घर में आते और भुला देखे मिली थे और भुला पर गढ़वाली भाषा में एक ब्लॉग बनाना छे, तो मैं तो बहुत ही अच्छी खुशी हुई। तो भुले माँ जी हमारे भी माँ जी छे, तो माँ जी ते प्रणाम और ना माँ जी, तो यू का घर मई में तो बताए जी आप कुछ बनना छे माँ जी, बस हम उनके मुँह नहीं है। तो बहुत अच्छा लगे, मैं तो आप घर में आते और ये क्या सारे लोग की लगी और छकी तुम्हारा तमड़ा छकी लग गया सरल भाषा सीख ली, लोडू पैक करा लोडू दे दिया, लेकिन या मुझे रटना भी चाह खिले ते बहुत बहुत दो किलो लाडू बनी, एक किलो मिठाई भोरी और एक पेट रोटना स्वागत खास मेहमान में लिगौन बहुत ते क्या लिगौन में हम लोग आज दीदी को कुछ गिफ्ट कर, हाँ कुछ गिफ्ट दिवना यार मैं तो ना, आप लोग जरूर देखेगा कि वो गिफ्ट है क्या। हाँ गिफ्ट इंतजार कर, आखिर गिफ्ट छो क्या, बहुत ही खतरनाक गिफ्ट छो, वेट कर आप लोग, तो आप लोग ब्लॉग में बनिया रहा, एक ने मिल दो, मैं भी जवार ते बुला दगड़ी सुन गड़वड़ी में बन कुलवा एक बार जरा मी दगड़े दगड़े ढोल पर, हाँ जी खूब छा सब्सक्राइब कर दिया, हाँ जी खूब छा। ते दीदी भी अभी हम बैठे छिन और भैया भी बैठे छिन, तो फिलहाल अब हम जे काम होता है ते काम कर दा, फिर मिल दा आपसे। तो फिर दोस्तों सब्र का फल मीठा होता है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज श्रीनगर जा रही हूँ कुछ काम से, तो काम यही है, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा और आप लोगों का जैसा सपोर्ट है वैसे ही सपोर्ट आप लोग मुझे आगे भी देते रहेंगे, तो माता रानी की कृपा से मैं आज एक गाना गाने जा रही हूँ, तो देखते हैं कैसा गाना आता है, कैसा आप लोग उस पर रिस्पॉन्स देते हैं। तो श्रीनगर में है और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारी जो भी माताएं बहनें जो भी हैं वो आराम से अपने पास में है और श्रीनगर में स्टूडियो है BGM स्टूडियो, तो यहाँ से आप लोग गाना गा सकते हो, मतलब हमें अब देहरादून जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सारी सुविधाएँ थोड़ा थोड़ा करके हमारे उत्तराखंड में हमारे यहाँ आ रही हैं। तो आज तक तो कई माताएं बहनें थी जिन्हें गाने गाने का शौक था, लेकिन हम कारणवश नहीं जा पाते हैं देहरादून, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहता है, क्योंकि हम घर गृहस्थी में ही इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो बचपन से मेरा शौक था कि मैं कुछ गाना में गाना गाऊं, तो आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, और आप लोग मुझे कैसा सपोर्ट दोगे, कितना आशीर्वाद दोगे, वो तो गाना आने के बाद ही पता चलेगा। तो आशा करती हूँ मैं कि आप लोग इस गाने को बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। तो आप लोगों को भी मैं इसके थ्रू बताना चाहती हूँ, जितनी भी माताएं बहनें हैं, अगर आपको गाना गाने का शौक़ है, आपको अच्छा लगता है म्यूजिक और गाना गाना चाहती हो, तो आप श्रीनगर में पास में ही श्रीनगर में आके गा सकते हो आराम से, एक ही दिन में हम घर जा सकते हैं, घर से आ सकते हैं। तो स्टूडियो का नाम BGM स्टूडियो है, तो आप लोग ज़रूर आइए और कोशिश करिए, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो ठीक है, बने रहिए साथ में, अभी देखते हैं कब तक निकलते हैं यहाँ से, और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे साथ इस गाने में है, तो मेरी प्यारी सी दीदी का है, दीदी आ जाओ यार, जो भी है मेरी प्यारी सी दीदी का ही सपोर्ट है, और जो ये गीत मैं गा रही हूँ मेरी दीदी ने ही मुझे लिख के दिया है, इसमें थोड़ा सा कुछ मिला है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो भी लिखा है मेरी दीदी ने लिखा है, और अगर दीदी के जैसे इंसान सब हो जाए ना हमारे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दीदी ने मुझे खुद गाना लिख के दिया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरा, मुझसे तो गा भी नहीं जा रहा था, लेकिन मेरी दीदी ने मेरी मदद की है, तो थैंक यू सो मच दीदी, बहुत धन्यवाद तेरा भी। तो वैसे ही उत्तराखंड की होनहार बेटी है और माता रानी का आशीर्वाद सदैव तेरा साथ रहता है, तो हमारा तो हमेशा रहेगा छोटी छोटी बहने। हाँ दीदी, तो ठीक है बने रहिए साथ में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर। तो फिर दोस्तों अभी यहाँ से जाने की तैयारी हो चुकी है, तो आपको मिलाती हूँ मैं यहाँ के सुपर डुपर स्टारों से,
क्या तो मिले नितेश जी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हमें बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे स्टूडियो और आपने अपना पहला गीत हमारे यहाँ रिकॉर्ड किया, हमारे यहाँ से बन रहा है, तो बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है ना कि आप आए। और बस आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं कैसा लगा, क्या लगा। मैंने तो बता दिया है कि मुझे फाइनल मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, सच में इतना अच्छा लगा है मैं क्या ही बताऊं। तो मैं तो मतलब मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि जब आप लोग ये ब्लॉग देखोगे तो आप लोगों की भी इच्छा बनेगी आप अपने श्रीनगर में आओ, नज़दीक पे सुबह आओ शाम को घर चले जाओ, तो देहरादून जाने की जरूरत नहीं है। देहरादून जाना भी मत, मुझे भी बोले तो लोग देहरादून जाओ, मैंने कहा क्यों जाऊँ मैं देहरादून, जब हमारे पास में हमारे उत्तराखंड में ये सुविधा आ चुकी है। आज ये सुविधा आ चुकी है, कल दूसरी सुविधा आएगी और धीरे धीरे करके अपने उत्तराखंड में सारी सुविधाएं आएंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो गाया मैंने, मुझे गाते हुए बहुत मतलब नहीं गा पाई उन्हें ढंग से भी, लेकिन सपोर्ट किया इन लोगों ने, मुझे डांटा नहीं बिल्कुल भी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप बहुत अच्छा बनाया और मैं आप सभी से चाहूंगा कि इस गीत को बहुत सारा प्यार दें, जैसे आप हमेशा सपोर्ट किए दीपा जी को वैसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहें। सपोर्ट बहुत करते हो आप लोगों, तो जनता को सबको पता है, तो आगे भी आप लोग सपोर्ट करोगे तो आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, ये कुछ नया शुरू करना जा रहे हैं तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करें इनको, जैसे आप लोग इनके ब्लॉग्स में करते हैं वैसे इनके जो एक नई शुरुआत कर रहे हैं उसमें भी सपोर्ट करें, ताकि ये और अच्छा करें, हम लोगों के साथ और काम करें, हमें और मौका दें और सब साथ में बढ़ सके। तो सपोर्ट सिर्फ मेरा ही नहीं करना है यहाँ पे, सपोर्ट एक बड़ी बहुत बड़ी बात है ये कि हमारे उत्तराखंड में हमारे श्रीनगर में ये सुविधा आ चुकी है, तो आप लोग देहरादून नहीं जाओगे, अब देहरादून जाओगे तो तब तो आप लोग यहाँ आओगे। और यहाँ जैसे कि आपने सुना केदारनाथ ब्लॉग आसमा का रेवार गीत, उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इंस्टाग्राम के थ्रू भी, यूट्यूब पे भी 2 लाख व्यू क्रॉस कर दिए उसने, तो यहीं से उसने वो गाना गाया है और मैंने भी यहीं से गाया है। और मैं आगे भी आशा करूंगी जितनी भी माताएं बहनें हैं मेरे से भी काफी जुड़ी हुई है, तो यहाँ आओगे और मैं आऊंगी आपके साथ भाई, लेकिन यहाँ से गाना है हमको और एक दिन हमको ये विजय स्टूडियो बहुत ऊंचाई पे ले जाना है, जहाँ से मतलब अगर ये हमें देख सकते हैं, हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनका सपोर्ट करें और इनका साथ दे। तो ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा भी जो यूट्यूब चैनल है बीजीएम प्रोडक्शन, उस पे भी हमारे गीत आते रहते हैं, आप चाहे आप तो सुन सकते हो, बीजीएम क्या है, बीजीएम प्रोडक्शन, बावनगढ़ म्यूजिक, तो वहाँ जाइए, वहाँ सुनिए यहाँ का म्यूजिक, फिर गुनगुनाइए, फिर आइए यहाँ। तो ठीक है, विदा लेते हैं आपसे। तो अभी मैं नितिन भाई के साथ यहाँ पे हूँ और आज यहाँ से कुछ खास गिफ्ट ले जाने वाली हूँ मैं, तो आप देर नहीं करेंगे उस गिफ्ट को बताने में भी। फिलहाल पहले छोटा वाला, पहला एक गिफ्ट ये दिखाते हैं, ये इनका क्या है, इसका ये हमारा बड़ा वाला डॉगी है, इसका नाम सिम्बा है, और जो मैं आज दीदी को देने वाला हूँ तो वो है गुगली। गुगली तो ये दोनों जो है की फुल ट्रेंड है, ये दोनों फुल ट्रेंड है, ये दोनों मैंने फुल ट्रेंड कर रखे हैं ये दोनों, तो इनका नाम है सिम्बा महाराज। तो देखिए सिम्बा महाराज, चलो पहले आप देंगे, आप पहले नीचे बैठो, ले नीचे बैठो, नमस्ते कौन करेगा, चलो नीचे बैठो, जम ओ मम्मी वाओ, ले ये पकड़, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठना, अभी नमस्ते, पहले नीचे बैठो, चलो अपना उल्टा पाँव देंगे, उल्टा पाँव, उल्टा गुड, उल्टा कौन है, हाँ गुड, दो फिर, और ओ वाओ जी, ये मेरा गिफ्ट, ये देखिए, बैठो तब दूंगा, बैठो बैठो, हेलो हेलो। तो अभी हम इनके छत पे आ गए हैं और यहाँ बाप रे, यहाँ कितनी सारी लौकी लगी हुई है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लौकी लौकी, वाह, लोकल लैंग्वेज में इनको तुमड़ी बोलते हैं, तुमड़ी तो कितने सारे लग रखे हैं, हम भी ले जाएंगे घर, इधर बगल में ये हमारा खेत है, वहाँ भी पिताजी पूरी खेती कर रखी है और खेती बाड़ी भी पूरी ही कर रखी है। अच्छा, ये पूर तुम्हारो है जी, और यहाँ देखिए पपीते का पेड़, तो यहाँ देखिए मैं हूँ अभी श्रीकोट में, और कद्दू भी लग रखे है, दुनिया भर की लौकी लग रखी है, दो टाइप में, एक अमरूद का पेड़, पपीते का पेड़, तेरु कमरा यहाँ है क्या, नितिन का कमरा है, बल यहाँ नितिन के कमरे की ओर जाते हैं,
अच्छा है। अरे वाह वाह, यह भाई का कमरा अच्छे से मैंने इसका रखा है। वाह, ये खुद ही मैंने करा है, पेंट वगैरह सब यहाँ है। हाँ, ये सब मैंने करा, ये टाइल्स वगैरह, ये वॉलपेपर सब मैंने खुद लगाया। वाह बहुत बढ़िया। तो इन्हें मेरे किचन था जैसा मैं यूज नहीं कर रहा। अच्छा यू किचन बड़ा पर जैसे यूज नहीं कर सामान रखे थे। तीन तीन ब्लॉगर एक साथ है तो तब एक एक करके बारी बारी पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनाया बहुत ही टेस्टी खाना, पहाड़ी खाना एकदम से। जमनी तीन पहाड़ी है तो पहाड़ी खाना बनाएगा। और मतलब आपको गांव में नहीं मिलेगा कई जगह खाने के लिए ये सब ना आजकल, मतलब मैंने देखा खासकर जब हमारे घर पे या कहीं किसी के भी घर पे कोई मेहमान जाता है, लोग सस्ता और सरल तरीका अपनाते हैं। चिकन लाए भात बनाया, मतलब जैसे पता नहीं उस चिकन में क्या है, लेकिन यहाँ देखें नितिन ने कितने अच्छे तरीके से क्या क्या बना रखा है। मतलब ये रायता है, यहाँ देखिए रायता ताई ने बना रखा है। हाँ, और ये है कद्दू की सब्जी। वाओ, यहाँ देखिए सब कुछ पहाड़ी खाना। तो नितिन सच में नितिन ने अपनी सारी संस्कृति को बचा के रखा है। पहाड़ी ककड़ी प्याज काट के रखा हुआ है और अचार भी घर घोरो अचार यानी आमू अचार और कड़ी बनाई। मतलब कड़ी की एक वो प्रकार चो, मतलब पता नहीं क्या बना रखा, कैसे बना रखा, कैसे बना रखा वो खा रहे हैं उनको कैसा हो रहा है पता नहीं लग रहा है क्या चीज़ है? तो पता नहीं लग रहा है ये कैसे बनाया इसने, ये बना रखा है, ये तो मैंने दिखा दिया कि ये बना रखा है, लेकिन कैसे बनाया वो आप लोग कैसे पता करोगे, वो करोगे? हाँ जी, खूब छा वहाँ जाइए, वहाँ जाके पता कीजिए कैसे बनाया। मुझे भी नहीं पता क्या बना रखा है, लेकिन मैं भी अब शाम को घर जाऊंगी। हाँ जी खूब सा यूट्यूब पे जाऊंगी, हाँ जी खूब सा सर्च मारूंगी, मुझे सर्च मारने की जरूरत नहीं है, मैंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, तो वहाँ जाके मैं पता करूंगी इसने कैसे बनाया ये। तो ये तो फटाफट खा रहे, मैं बातें करने में बिजी हो जाऊंगी। नितिन तो लाना तो ठीक है, फटाफट से खाते हैं फिर मिलते हैं। अभी हमारे यहाँ से जाने की तैयारी हो गई है और सच में ये देखो गुगली की तैयारी हो गई है घर आने की। ये माजी चलो फिर चलो चलो मैं क्यों गिरवे ना ऊपरी मुल्क ऊपरी मन क्यों मा धीरज पे ना खूब ना पड़े खूब फैली फूली कम फूली बांदरी मेरी आंखों की मुचारी बांदर पाली ए बेदी यू क्या करी। हाँ जी, तो फिर दोस्तों अभी निकल गए हैं नितिन भाई के घर से और आ गए हैं गुगली भी हमारे साथ में। ये रहा गुगली, गुगली आराम से बैठ रखा है दीदी के साथ, तो दीदी के साथ अच्छा ही दोस्त बैठ रखा है। तो कमेंट्स में जरूर बताना आपको गुगली कैसा लगा। मेरी लाड़ी गुगली पेट सारी भगत लाड़ी नव दूदास ट्रेन जाने गुगली रुद्र प्रयाग यन समझ खुलने वाला छन भाग। अरे वाह वाह वाह, तेरी पर्याग माल गुलु चका चाम जब तक घिम तारी माँ तेरी बड़ी हाम दिन माँ गुगली तेने पानी बांदर घुड़ियो अपरा मारे पर
तो फिर दोस्तों अभी सिरोबगड़ में जो है शायद आगे रोड ब्लॉक हो रखी है, तो ए, रुक जा, यहाँ देखो इसको। तो हम अभी सिरोबगड़ में है क्योंकि यहाँ रोड टूट रखी है, नीचे गंगा मैया देखे। और गुगरी को भी मैंने कहा थोड़ा घूम जाएगा बाहर पे, थोड़ा घूम रहा है वो भी। तो अभी यहाँ पे ढेर सारी गाड़ियाँ जमा हो चुकी है, तो पता नहीं कितनी देर हो जाएगी हमको यहाँ पे। तो यहीं पे रुक रह के, गाड़ी तो हमारी उधर पे है, तो इसकी चैन नहीं छूटनी चाहिए हाथ से, ये चैन। तो फिर दोस्तों ब्लॉग अभी जारी है, कल देखिएगा पूरा ब्लॉग। तो इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता रानी।